हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो लर्न फ्रॉम क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करते हुए हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग से। हाइड्रोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है, उसी का एक क्वेश्चन है। एक कैसमेंट इज आइडियलाइज एज द 25 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट हैज़ 5 रेन गेजेस एट वन ईच कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थिसन मीन पॉलीगन मेथड से ये क्वेश्चन है, पूछा गया इसको सॉल्व करना है। गेट का क्वेश्चन आपको ये भी बता दें, गेट 2017 में ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन ईएस में, गेट्स में, गेट में पूछे जाते हैं और वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए। ओके, तो फिर हम देखते हैं इसका सलूशन क्या होने वाला है और ये क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या गया है। ये देखिए, एक कैचमेंट स्क्वायर कह सकते हो, 25 किलोमीटर इधर है और 25 किलोमीटर इधर है, कुछ इस तरह का स्क्वायर कैचमेंट एरिया है। और एक रेन गेज यहाँ पे, हर एक कॉर्नर पे एक रेन गेज रखा गया और एक सेंटर पे रखा गया है। तो ये G1 और ये G2, ये G3, ये G4 और ये G5, कुछ इस तरह से पूछा गया है। अब ये कह रहा है थिसन मीन पॉलीगन मेथड का यूज करके हमें इसमें मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करके बताइए। तो ये रेन गेज रखा, इसका प्रेसिपिटेशन G1 का प्रेसिपिटेशन दे रखा, G2 का प्रेसिपिटेशन, G3 का प्रेसिपिटेशन, G4 और G5 की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो अब हमें भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है। तो थिसन मीन पॉलीगन मेथड जो होता है, इसमें मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है P1A1 प्लस P2A2 और प्लस ऐसे करके चलते रहेंगे अपान A1 प्लस A2 समथिंग। जितनी वैल्यू होंगी उतनी हम उसे आगे बढ़ा लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से ये तो पता चल गया है, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस में जाना है तो हमें प्रेसिपिटेशन हर एक रेन गेज की वैल्यू पता होने के बाद भी हमें एरिया ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस तरह के एरिया को अगर हम इस तरह से डायरेक्ट ड्रा कर लेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये अपना रॉन्ग मेथड है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें हर एक सेक्शन जहाँ पे रेन गेज रखा है उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके डायगोनल्स को मिलाना होगा, ओके। और हमें इसके इस सेंटर से कुछ इस तरह से जा करके वो एरिया कवर करना होगा जहाँ पे रेन गेज रखा है। यहाँ पे मान लीजिए G1 रखा है, तो G1 इतना एरिया कैच करेगा और G2 रेन गेज कुछ इतना एरिया कैच करेगा, G3 G4 कुछ ये एरिया कैच करेगा और बीच में रखा G5, तो इसके लिए कुछ ये इस तरह का ये स्क्वायर मिल गया है, तो इसके लिए ये एरिया की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं G1 के लिए A1 और A2, A3 और A4 ये सेम टाइप का एरिया है, ठीक है, सेम टाइप का एरिया। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, तो चलिए हम इसमें बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होने वाला है। तो हम इस ये जो स्क्वायर है अपना, इस स्क्वायर की साइड को हम A मान लेते हैं, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। तो अपना स्क्वायर का कुछ ये वाला पोर्सन जो कुछ बनने वाला था, ओके, तो ये वाला पोर्शन इसका एरिया कुछ बनेगा A1, हम इसे लिख देते हैं। तो ये एरिया जो कुछ बनेगा, तो इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला होगा A² / 8, ठीक है। तो एक बार और बता देते हैं, कुछ इस टाइप का जो एरिया है तो इसकी वैल्यू होगी A² / 8। और कुछ एरिया ये इस टाइप का जो मिलता है, इस टाइप की क्वेश्चन थिसन मीन पॉलीगन मेथड में इस टाइप का जो एरिया मिलता है तो इसकी वैल्यू होती है, ओके। तो हमने ये सब वैल्यू देख ली। तो यहाँ से देखने के बाद क्या पता चलेगा भाई, कि A1 = A2 = A3 = A4 सभी सेम हैं, वैल्यू होगी A² / 8 और A² की वैल्यू कितनी है, 25² / 8। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, तो 25² / 8 की वैल्यू आएगी 78.5
1 to 5। ओके, तो जो अपना A5 था वो सबसे डिफरेंट दिख रहा था, वो कुछ इस टाइप का स्क्वायर बन रहा था। तो A5 की वैल्यू है a/√2, a की वैल्यू है 25 और √2, तो 25√2 करेंगे हम, ना केवल a। यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे a/√2 ये वन साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, ये वन साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया होगा a/√2, साइड का स्क्वायर होता है ना, तो a²/2 इसकी वैल्यू आएगी, तो a5 की वैल्यू आएगी a²/2। ओके सॉरी, a²/2 इसकी वैल्यू आएगी, तो a² की वैल्यू 25 का स्क्वायर बाई 2, 25² 625/2, तो 312.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, 312.5 इसकी वैल्यू, P1, P2, P3 जो कह सकते हो 5 तक, और A1, A2, A3, A4 5 तक, इन सबका हमें एरिया भी पता चल चुका, और प्रेसिपिटेशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। तो मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए P mean = हम लिखेंगे, तो प्रेसिपिटेशन जो पहला था तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं, G1 की वैल्यू 300, 285, 272, 290, 288, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान से हमें सारी वैल्यू पुट करनी है, और उससे रिलेटेड हमें एरिया को भी लिखना है, और साथ ही मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो पहला तो 300 दे रखा था और एरिया अपना 78.5 था, ठीक है, तो अपना A1, A2, A3, A4, तो 4 तक अपना एरिया सेम था, तो हम यहाँ से प्लस लगा देते हैं और जितना प्रेसिपिटेशन है उनको जोड़ करके वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो पहले 300 था और फिर अपना 255 था और फिर अपना 272 था और फिर अपना 290 था, और ब्रैकेट लगा दिया, 78.125 से मल्टीप्लाई करा दी, और प्लस A5 भी दे रखा था ना, A5 की वैल्यू जो है 312.5, और प्रेसिपिटेशन एट द पॉइंट P5 की बात करूँ तो P5 की वैल्यू है 288, तो इन सबको हमने लिख लिया है, ठीक है, और सबको जोड़ने के बाद हमने ऊपर लिख लिया है जो मल्टीप्लाई होकर जोड़ के जो आया है, और अपान हमें क्या करना है, A1 + A2 + A5 तक जाना है, और जितना एरिया कैलकुलेट होकर के आएगा उसको डिवाइड में ले आना है ऐड करके, तो ऊपर की जो वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके लाए थे वो अपनी कुछ और थी, और नीचे जो लाएंगे ऐड करके, जो एरिया को ऐड करके लाएंगे वो कुछ और होगी, और जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर मिलने वाला है 15। तो आप कैलकुलेटर लीजिए, अभी उठाइए, इस तरह का क्वेश्चन आप इस वीडियो से उठा सकते हैं, वीडियो से आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं, और जो भी हमने फार्मूला बताया कि कुछ इस टाइप का एरिया होता है, तो उसके लिए हम a²/8 करते हैं, और जो कुछ इस टाइप का स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू a²/2 होती है, तो आप इन सब एरिया के फार्मूलाज को जो है यूज़ करिए, और एरिया को कैलकुलेट करने के बाद आप मीन प्रेसिपिटेशन कह सकते हो P⁻ की वैल्यू फाइंड करेंगे 287.375। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में, ये 2017 में पूछा गया था, और 2019 में 2018 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही रहती है, फार्मूला भी एक ही रहता है, बस खाली थोड़ा आपको घुमाया जाएगा। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।